गाइज, प्रोनाउन के केसेस की ज़रूरत हमें अक्सर पड़ती है, फिर चाहे नरेशंस की बात हो, फिर कोई सिंपल सा सेंटेंस हम लिखने वाले हैं। प्रोनाउन के केसेस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ और किन कंडीशन में इन्हें यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है, ये जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरबार एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं आपको केसेस पढ़ाने वाला हूँ। केसेस यानी कि कारक। पर्सनल प्रोनाउन में मैंने जो प्रोनाउन्स बताए थे उनके केसेस होते हैं। कोई भी प्रोनाउन किस जगह पर और किस काम के लिए प्रयोग किया गया है, इसे कहा जाता है कारक यानी कि केसेस। देखिए, केसेस पढ़ने से पहले हमें सीखना होगा पर्सन। पर्सन, अगर हम पर्सन की बात करें तो पर्सन दुनिया में तीन ही होते हैं। अब आप कहेंगे बहुत सारे पर्सन होते हैं, व्यक्ति तो बहुत है दुनिया में, लेकिन बहुत भले ही है लेकिन तीन कैटेगरी में ही उन व्यक्ति को गिना जाता है। अगर गिनती के रूप में कहा जाए तो गिनने में अगर पर्सन टू पर्सन गिने तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्हें यूज किया जाता है उस हिसाब से अगर डिवाइडेशन किया जाए, क्लासिफिकेशन किया जाए, तो तीन प्रकार के ही व्यक्ति होते हैं। पहला व्यक्ति वो जो बोलने वाला है, यानी कि फर्स्ट पर्सन, वो जो बोलने वाला है, इस कैटेगरी में आई और वी आता है। दूसरा व्यक्ति वो जो सुनने वाला है, सुनने वाला भले ही एक हो या फिर एक से ज़्यादा हो, आप उसे यू कहकर पुकारेंगे, तो वो हुआ सेकंड पर्सन। बोलने वाला और सुनने वाला, इसके अलावा बाकी के लोगों की बात की जाएगी वो हो जाएंगे थर्ड पर्सन में, जैसे कि ही, शी, इट, दे। तो फर्स्ट पर्सन में हुआ है फर्स्ट पर्सन, वो जो बोलने वाला है। अगर बोलने वाला एक बंदा होता है तो उसे हर बार वो एक बंदा अपने आप को आई कहकर पुकारेगा, यानी कि बार बार वो हिंदी में बोलेगा तो मैं, मैंने, मुझे, इस तरह से शब्दों को यूज करेगा। और वो एक से ज़्यादा होता है, प्लूरल होता है, एक से ज़्यादा दो लोग अगर बोलने वाले हैं, किसी कोई स्पीच दे रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो वो अपने आप को हम कहकर पुकारेंगे। तो बोलने वाला जो है वो फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। आप अगर बोलने वाले हैं तो आप अपने आप को ही फर्स्ट मानेंगे, और आपके सामने जो खड़ा है सेकंड पर्सन का बंदा है, आपके सामने खड़ा है, वो हुआ सेकंड पर्सन। वो भले ही एक हो या पूरी की पूरी एक सभा हो, पूरे के पूरे बहुत सारे सैकड़ों लाखों लोग हों, लेकिन आप बार बार उसे यू कहकर पुकारेंगे, उन सबको आप कहकर पुकारेंगे या आप लोग कहकर पुकारेंगे, तो वो सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आ जाता है यू। अब ये बोलने वाले, आप बोलने वाले हैं, बाकी के सुनने वाले हैं, वो आपकी कैटेगरी में हो गया। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ बार बार और आपने आपको मैं कहकर संबोधित कर रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन हैं। अब मैं अलग किसी चीज़ की बात करूँगा, जैसे मैं इस वॉल की बात कर रहा हूँ, इस बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए और आपके लिए थर्ड पर्सन हो गया, तीसरा व्यक्ति हो गया, क्योंकि डायरेक्ट मैं हूँ फर्स्ट और आप सुनने वाले हैं सेकंड। आप बोलेंगे तो वहाँ पर आप फर्स्ट हो जाएंगे और मैं वहाँ पर सेकंड हो जाऊँगा। अगर मैं सुनने वाला हूँ तो मैं वहाँ पर सेकंड पर्सन हो जाऊँगा। इसी तरह से बोलने वाला फर्स्ट, आप और आप सुन रहे हैं, वो सेकंड हो गया, और बाकी के लोगों की, जैसे मैंने अभी कहा इस वॉल की, इस बोर्ड की, तो वो थर्ड पर्सन में हो गया। किसी और व्यक्ति की अभी यहाँ पर आ जाता है, उसकी मुझे बात करनी होगी या किसी के बारे में आप चर्चा करेंगे, किसी के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे, तो वो मेरे लिए थर्ड पर्सन हो गया। तो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में अगर कोई, वो एक पर्सन होता है, एक लड़का होता है, एक आदमी होता है, तो मैं उसे ही कहकर पुकारूंगा, और अगर वो कोई लड़की होती है, एक होती है, तो मैं उसे शी कहकर पुकारूंगा, और कोई अगर नॉन लिविंग थिंग होती है, निर्जीव चीज़ होती है, तो मैं उसे इट कहकर पुकारूंगा, तो वो थर्ड पर्सन हो गया। एक से ज़्यादा लोग होते हैं थर्ड पर्सन में, तो वो दे कहकर मैं उन्हें पुकारूंगा, एक से ज़्यादा लोग हैं। तो ये होते हैं पर्सन, जो कि तीन ही होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बात ये पैदा होती है कि इन पर्सन को कैसे, आपने देखा होगा कि आई के लिए मैं, मैंने और मुझे, ये सारे शब्द यूज किए जाते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए। तो ये कब, कहाँ, कैसी कंडीशन में यूज किए जाते हैं, कब मैं लगाया जाएगा, कब मुझे लगाया जाएगा, कब मैंने लगाया जाएगा, इसे कहा जाता है कारक, केस। केस यानी कि कारक, मतलब कोई जो प्रोनाउन है वो
किस बात का कारक बन रहा है, क्या काम कर रहा है, वही उसका कारक हुआ। इस कैटेगरी में भी तीन चीज़ें होती हैं, तीन रूप से कोई प्रोनाउन काम करता है, कोई पर्सनल प्रोनाउन जो है वो तीन काम करता है, तो इसलिए कारक तीन होते हैं। एक नॉमिनेटिव केस यानी कि कर्ता कारक, कोई भी प्रोनाउन इसमें फर्स्ट पर्सन का या सेकंड का या थर्ड का कर्ता की जगह पे आया है, कर्ता का काम कर रहा है यानी कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो वो नॉमिनेटिव केस हुआ यानी कि कर्ता कारक हुआ। इसे हम नॉमिनेटिव केस की जगह हम इसे सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं, क्योंकि कर्ता को सब्जेक्ट कहा जाता है। ये इस कैटेगरी में आई, वी और ये फर्स्ट पर्सन के हो गए, और यू, आई वहाँ पर आई का मतलब मैं निकलता है जब वो सब्जेक्ट बनता है, और अगर वो पास्ट में पहुंच जाता है तो मैंने बन जाता है। ऐसे ही वी का मतलब हम निकलता है, अगर वो पास्ट में होता है तो हमने बन जाता है। ठीक इसी तरह से सेकेंड पर्सन पर जाएंगे, अगर सेकेंड पर्सन है यू, अगर बनता है सब्जेक्ट तो वो आपका काम करेगा, अगर पास्ट में होगा तो मोस्टली पास्ट में भी आप आ जाता है, लेकिन इनमें भी पास्ट में भी मैं और हम आ जाता है, लेकिन कई बार आपने का काम करेगा, वो आपने उसका ट्रांसलेशन हिंदी में निकलेगा, तो यू होगा नॉमिनेटिव केस में यानी कि सब्जेक्टिव केस में, कर्ता की जगह पर आएगा, तो ये रूप लगाने होंगे। आपको केवल यही ध्यान रखना है, उसकी हिंदी पर नहीं जाना है, आपको इन प्रोनाउंस का मतलब समझना है, प्रोनाउन कौन सी जगह पर आया है आपको देखना है, कौन सा काम कर रहा है। अगर वो सब्जेक्ट की जगह पर आया है तो इंग्लिश में आपको आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये शब्द यूज करने होंगे अगर वो सब्जेक्ट की भी जगह पर आया है। हिंदी में वो मैं बने, मैंने बने, हम बने, हमने बने, आप बने, आपने बने, वह बने, उसने बने, यह बने, इसने बने, वे बने, उन्होंने बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आया कहाँ है, सब्जेक्ट की जगह पर आया है, तो आपको सब्जेक्टिव केस यानी कि नॉमिनेटिव केस लिखने होंगे। इसके लिए भी मैं अभी एग्जांपल लिख के बताऊंगा, आप बेटर समझ जाएंगे कि क्या होता है, हिंदी में क्या झोल है। हिंदी में चीज़ों को अलग अलग ढंग से बोला जाता है, बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है, इसलिए अगर आप इस सिस्टम से समझते हैं तो आप बिल्कुल ही सही लिखेंगे, कभी गलती करने वाले नहीं हैं। कोई भी हिंदी में अर्थ हो, कोई भी हिंदी में शब्द आ रहा है, लेकिन आपको लिखना है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, आपको पहचानना है अगर वो कर्ता की जगह आया है, तो इसके अलावा कोई शब्द नहीं आ सकता है पर्सनल प्रोनाउंस में। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस जैसा कि इसका नाम है कर्म कारक, कर्म कारक यानी कि कर्म का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर कोई शब्द ऑब्जेक्ट का काम करता है तो वो कर्म कारक हो जाता है। अगर इनमें से ही नॉमिनेटिव केस ये हुआ है, अगर ये ऑब्जेक्ट का काम करने लग जाएंगे तो आई वहाँ पर मी लिख के आएगा, आपको वहाँ पर मी लिखना पड़ेगा, आई नहीं लिखना होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट बनाए, भले ही वहाँ पर मुझे आए, मुझको भी आ सकता है, और भी कोई शब्द आ जाए, हिंदी से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें समझना है कि वो शब्द जो है वो पहुंच कहाँ रहा है। सब्जेक्ट की जगह पर आया है तो आई, ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है तो वो मी का काम करेगा, वहाँ पर मी ही लिखना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से ये हिंदी गड़बड़ हो सकती है, मुझे की जगह कुछ और आ सकता है, ये मुझे यहाँ भी आ सकता है। अगर मी मीन्स मुझे होगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट मीनिंग नहीं बता दिया जा सकता, क्योंकि मी मीन्स मुझे अगर है तो इस जगह पर भी ये आ जाएगा, आई मीन्स भी मुझे कई बार निकलता है, मैं अभी एग्जांपल में आपको बताने वाला हूँ। ऐसे ही अस अगर लिखना होगा आपको, अगर वी का कोई रूप आया है, अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आया, हम का कोई रूप ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है, तो आपको वहाँ पर अस लिखना होगा, चाहे वो हमें हो, हमको हो या हमारा हो, कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर, अगर आता है तुम का कोई रूप, आप, तुम और तू एक ही चीज़ है, इसके लिए यू शब्द यूज करते हैं नॉमिनेटिव केस में, और ऑब्जेक्टिव केस में भी जाहिर सी बात है यू ही यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही होता है, लेकिन अर्थ उसका अलग निकलता है। यहाँ पर अगर यू आएगा नॉमिनेटिव केस में कर्ता की जगह पर, तो वो आप और आपने का अर्थ देगा, या फिर तुम तुमने का अर्थ देगा, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, ऑब्जेक्टिव केस बनेगा, तो फिर वो यू जो होगा आपको का अर्थ देगा, तुम्हें का अर्थ देगा या तुमको का अर्थ देगा। ये जो है पजेसिव केस, पजेशन शब्द का मतलब होता है अधिकार कारक। अगर किसी पर अधिकार जमाने का काम कर रहा है, किसी पर पजेशन करने का कार्य कर रहा है कोई पर्सनल प्रोनाउन, तब उसे कहा जाता है पजेसिव केस।
अधिकार के लिए काम कर रहा है तो पजेसिव केस हुआ। जैसे कि यहाँ पर माई है, दिस इज माई पेन, पेन पर मेरा अधिकार है, तो माई को यूज किया। मैं का वो रूप माई बन के आएगा। अगर वो अधिकार की जगह पर आया है फिर वहां पर आप मी नहीं लगा सकते, आई नहीं लगा सकते। अगर वो पजेसिव केस की जगह पर आया है, अधिकार का काम कर रहा है, किसी पर पजेशन जमाने का काम कर रहा है। और ऐसे ही ये अस जो है, वी है, हम का जो रूप है पजेशन का काम कर रहा है, हमारा का अर्थ देता है मोस्टली। और अवर वहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा। तो यू का भी पजेसिव केस यहाँ पर योर होगा और वो आपका, तुम्हारा, तेरा का अर्थ देगा। अगर अधिकार की जगह पर आया है तो आपको योर लिखना होगा। और नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में दोनों में ही यू लिखना होगा। ऐसे ही हम आ गए यहाँ पर ही माने वह होता है। नॉमिनेटिव केस में थर्ड पर्सन में आए तो नॉमिनेटिव केस में वह होगा या उसने का अर्थ देगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट में जाकर ये अर्थ देगा उसे का। और यहाँ पर शी माने भी वह होता है, उसे होता है। फ़र्क आप बेटर जानते होंगे। वह लड़के के लिए यूज किया जाता है, मेल के लिए यूज किया जाता है ही, और शी को यूज किया जाता है फीमेल के लिए। सेम अर्थ होते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट की नॉमिनेटिव जगह पर आए हैं तो ही को यूज करना पड़ेगा, शी को यूज करना पड़ेगा। और अगर पजेसिव की जगह पर आए, अधिकार सॉरी, अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर आए हैं तो हिम और हर को यूज करना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पर इट, इट अगर नॉमिनेटिव जगह पर आया है तो भी आपको इट ही लिखना पड़ेगा। और अगर यह का अर्थ को दे रहा है कोई निर्जीव चीजों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, अगर सिंगुलर चीज के लिए आप यूज कर रहे हैं तो इट लगाना होगा। ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आप यहां इट ही लगाएंगे और ये इसे का अर्थ देगा, इसे या इसको का अर्थ देगा। ऐसे ही प्लूरल चीज है, प्लूरल में थर्ड पर्सन के लोग हैं, बहुत सारे हैं, तीसरे पर्सन में, थर्ड पर्सन में, तो हमें वे कहना पड़ता है। उसके लिए हम दे लगाएंगे नॉमिनेटिव केस की जगह, या फिर इसकी हिंदी वे हो सकती है, पास्ट का होगा तो उन्होंने हो सकती है। ऑब्जेक्टिव केस इसका देम होगा, जिसका मतलब निकलेगा उनका। अब मतलब हिंदी में कोई भी निकले हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है तो आपको देम लिखना है, और अगर वो नॉमिनेटिव जगह पर आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, तो आपको दे लिखना है। ऐसे ही यहाँ पर अधिकार का काम करेगा, पजेशन का काम करेगा, तो हिज लिखेंगे, ही की जगह पर हिज लिखेंगे। अगर अधिकार का काम कर रहा है वह, तो हिज लिखेंगे, उसका मतलब निकलेगा उसका, उसकी, उसके। ऐसे ही हर को यूज़ करना पड़ेगा आपको लड़की के लिए। देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में भी हर था और इसके पजेसिव केस में भी हर है, लेकिन यहाँ पर वो अर्थ देगा उसका, उसके, उसके का, और यहाँ पर अर्थ देगा उसे का। ऐसे ही अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो इसके, इसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ेगा, अगर आप वो अधिकार के लिए उसे यूज कर रहे हैं। दे की बात करें तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हुआ, आपने देख लिया, और यहाँ पर पजेसिव केस इसका देयर होगा, टी एच ई आई आर, इसे देयर बोला जाता है। ये जो टी एच ई आर ई है, टी एच ई आर ई, इसको देयर नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है देयर। ये है देयर, इसका मतलब निकलेगा उनका, उनकी, उनके। पजेशन का काम कर रहा है, अधिकार का काम कर रहा है। तो आप बेटर समझ चुके होंगे कि इनका मतलब क्या है, केस का मतलब क्या है। तीन पर्सन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, तीन पर्सन में बांटी गई है पूरी दुनिया। बोलने वाले हो गए फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले हो गए सेकंड पर्सन, जिन्हें हम तुम कहते हैं, यू में लेते हैं सबको, और बाकी के लोग हो गए। बाकी के लोगों में अगर कोई मेल होगा तो ही हो गया, और अगर फीमेल होगी तो शी हो गया, और अगर कोई नॉन लिविंग होगी तो इट हो गया, और प्लूरल होगा बाकी के लोगों में तो दे कह के यू करेंगे। अगर इनके ऑब्जेक्ट की बारी नॉमिनेटिव केसेज है, अगर कर्ता की जगह पर आए हैं तो ये वाले रूप यूज किए जाएंगे, और अगर वो कर्म की जगह आए हैं, ऑब्जेक्ट की जगह आए हैं, तो ये वाले रूप यूज किए जाएंगे, और अगर वो अधिकार का काम कर रहे हैं तो ये वाले रूप यूज किए जाएंगे। आपको हिंदी का कोई भी सेंटेंस दिया हो, आपको बस लिखते समय में सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखना है कि वो कौन सी जगह आया है, क्या काम कर रहा है प्रोनाउन, उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसका अर्थ लिखना है। अगर वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो आपको मी, अस, यू, हिम, इस तरह से ही लिखना है। आप अगर माई, अवर ये लिख देंगे या फिर आई, वी लिख देंगे तो आपका डेफिनेटली सेंटेंस गलत होने वाला है। और अगर वो सब्जेक्ट की जगह आया है तो आपको आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे लिखना है। और अगर पजेसिव की जगह यानी कि अधिकार का काम कर रहा है तो माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, इस तरह से लिखना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि आपको हिंदी के अर्थ पर नहीं जाना है, आपको देखना है कि प्रोनाउन कौन सी जगह पर आया है, सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह या फिर पजेसिव की जगह,
तो उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन को यूज करना है। ये मैंने तीन सेंटेंस लिखे हैं और यहाँ पर आया है मैं पहले सेंटेंस में, और दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है मुझे, और तीसरे सेंटेंस में लिखा है मेरे। यहाँ पर इसका मतलब है मैं अपना काम करता हूँ। इसको मैं इंग्लिश में करके दिखाता हूँ, इसका मतलब होगा आई डू माई वर्क। यहाँ पर ये शब्द आया कहने के लिए, इसका मतलब निकल रहा है अपना। अब अपना का मीनिंग मैंने यहाँ पर माय लगाया है, क्योंकि वर्क पर अधिकार किसका है, मैं अपना काम करता हूँ तो किसका काम हो रहा है, मेरा ही तो काम हो रहा है, इसलिए मैंने इस अपने के लिए माय लगाया है। हिंदी में कुछ भी आया, अपना के लिए वैसे ओन शब्द होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर ओन को यूज नहीं किया, मैंने यहाँ पर माय को यूज किया है, क्योंकि मेरा काम हो रहा है इसलिए आई डू माय वर्क। अब मैंने मैं के लिए आई लगाया है क्योंकि इसका ये सब्जेक्ट बन रहा है, और सब्जेक्ट की जगह नॉमिनेटिव केस इसका आई होता है, इसलिए मैंने यहां पर आई यूज किया है। अब आते हैं हम सेकंड सेंटेंस पर। यहां लिखा है मुझे चाय पसंद है, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, ताहे तियते है, और गौर कीजिए ये सेंटेंस भी प्रेजेंट सिंपल का ही है। मुझे चाय पसंद है, इस बात का मतलब है मैं चाय पसंद करता हूं, ये भी प्रेजेंट सिंपल का है। तो यहाँ पर आया तो मुझे, और मुझे का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो वर्ड निकलता है मुझे का मी, मुझे का मतलब होता है मी। अगर हम हिंदी के अर्थों पर जाए तो आप यहाँ मी से सेंटेंस को करने जाएंगे, लेकिन इसका मतलब इसे मी से नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुझे आया है सब्जेक्ट की जगह पर, मुझे चाय पसंद है मतलब मैं इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हूँ, तो मैं यहाँ पर अब मुझे के लिए आई यूज करूँगा ना कि मी यूज करूँगा। यहाँ मैंने आई को यूज किया, आई लाइक टी। देखिए फिर से मैं के लिए मैंने आई लिखा और मुझे के लिए भी मैंने आई लिखा, क्योंकि यहाँ पर भी वो सब्जेक्ट का काम ही कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस में यही जो मैं था, यहाँ मुझे था, यहाँ पर आकर मेरे बन गया। मेरे पास किताब है, मेरे पास एक किताब है, लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा, मेरे पास एक किताब है। अब यहाँ पर किताब किसके पास है, मेरे पास है, तो मैं इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हूँ। तो यहाँ पर फिर से मुझे, क्योंकि सब्जेक्ट का यानी कि नॉमिनेटिव केस का काम कर रहा है, तो फिर से मुझे आई यूज करना पड़ेगा। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। तीनों सेंटेंसेज में मैं, मुझे और मेरे तीनों शब्दों के लिए मैंने आई को यूज किया। देखिए यहाँ पर आई, यहाँ पर आई और यहाँ पर आई, मैंने तीनों जगह पर आई यूज किया, लेकिन इनके हिंदी अर्थ अलग अलग हो रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि आपको हिंदी के अर्थ पर नहीं जाना है, आपको देखना है कि प्रोनाउन कौन सी जगह पर आया है। प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट की जगह पर आया है तो आपको नॉमिनेटिव केस यूज करना होगा, अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है तो आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज करना होगा, और अगर प्रोनाउन पजेशन यानी कि अधिकार जमाने का काम कर रहा है तो आपको पजेसिव केस यूज करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर माय पजेसिव केस यूज किया है, शब्द आया था अपना। तो कोई प्रोनाउन क्या काम कर रहा है उसे ही कहा जाता है कारक यानी कि केसेस। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि प्रोनाउंस और केसेस क्या होते हैं। अगले वीडियो में मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आऊँगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको टाइम पर हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।